बाबा। बेटा, मैंने मोना को पाताल कैद की और सर प्रक्षा धागे से बांध दिया, लेकिन वो बहुत देर तक मोना को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो। लेकिन पापा, इतना काफी नहीं होगा, हम कहीं भी जाएंगे मोहना हमें ढूंढ ही लेगी, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है। मैं जानता हूँ कैसे, मेरी वजह से। वो मेरा पीछा करती है क्योंकि वो मुझे ढूंढ सकती है। अंश सही कह रहा है गुड़िया, अंश और मोहना के बीच में रक्त बंधन है और मोहना उसी का फायदा उठाती है। लेकिन बाबा, कोई तरीका तो होगा मोहना को रोकने का। I'm sorry बेटा, माँ और बेटे के रक्त बंधन को हम ना तोड़ सकते हैं और ना बदल सकते हैं। इसका मतलब हम मोहना को हमारे पीछे आने से नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। एक तरीका है जिससे हम मोहना को तुम्हारे पीछे आने से रोक सकते हैं। चले जाते हैं, ये सब कहाँ ढूंढने? अबे तुम यहाँ हो, हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहे हैं? ढूंढ रहे? क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो यही थी। अरे क्या झूठ बोल रही हो, तुम यहाँ कहाँ थी? पूरा दो बार वो घर हम पूरा ठीक तरीके से ढूंढे हैं और तुम हमको यहाँ मिल रही हो। What nonsense? तुम पागल हो क्या? अरे पागल nonsense का होता है? हैं? सच बोल रहे हैं हम तुमसे, और हमको पता है तुम हमको ना जान बूझ के नहीं बताती हो ये सब, लेकिन हम भी कम नहीं है, बहुत स्मार्ट है, फुल फ्लेज ट्रेनिंग में चल रहे हैं नमन रीवावंशी बनने के। ट्रेनिंग चल रही है, रीवावंशी बने नहीं हो? पता नहीं बनोगे भी या नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो यार, तुम पिया की मदद करने गई थी ना? हाँ, पिया दी का कॉल तो आया था, पर क्या मैंने उनको बताया कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए? अबे ये हमको कैसे पता चलेगा? तुम हमको बताती हो, और एक तो तुम यहाँ थी भी नहीं। ये तुम क्या बार बार कह रहे हो, मैं यहाँ नहीं थी, मैं यहाँ नहीं थी। अरे नहीं थी तो नहीं थी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? मैं यहाँ नहीं थी तो फिर मैं कहाँ थी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अंश? समझने की कोशिश करो, जब तक तुम मेरे साथ हो मोहना को पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ हो, तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो। लेकिन अगर तुम चले गए तो तुम मुझे ढूंढोगे कैसे? हमारे पास तो फोन भी नहीं है। हम कौन सा सारी जिंदगी ऐसे भटकते रहने वाले हैं भैया? बस कुछ दिनों की बात है, जब तक हमारा बच्चा पैदा नहीं हो जाता हमें मोहना को इससे दूर रखना है, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा। पागल हो गए हो क्या अंश? मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? इस प्रॉब्लम का यही सलूशन है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी यार। कोई और सलूशन होगा ना? तुमने वादा किया था ना मेरा ध्यान रखोगे, मेरे साथ रहोगे, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? मैं वादा तोड़ नहीं रहा, निभा रहा हूँ तुम्हारी और बच्चे की हिफाजत का वादा। मुझे यहां से निकलना होगा वरना अंश और पिया बहुत दूर निकल जाएंगे। गुड़िया जल्दी करो, मैं गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। Thank you.
छह बज गए, ये दिया अभी तक जला क्यों नहीं? भगवान करे अंश और प्रिया ठीक हो। यार दिया जलाने में इतनी देर क्यों लगा रही है? भाभी कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मोना अंश और प्रिया तक पहुंच गई होगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, भगवान मेरे बच्चे ठीक हो, सब हमारी गलती है, हमें उन्हें अकेले यहाँ से भेजना ही नहीं चाहिए था। कम से कम यहाँ थे तो हमारी आंखों के सामने तो थे, हम उन दोनों के साथ तो थे। वैद्यश्री धैर्य रखो जी, सब ठीक ही होगा। डोंट वरी बड़ी माँ, माना चाची भाई और भाभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एंड आई एम श्योर वो दोनों वहां से कहीं दूर चले गए होंगे। वैद्यश्री मुझे लगता है कि इस बारे में हमें निशान जी से पूछना चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। भैया निशान जी यहाँ नहीं है, पिया ने बताया था ना वो अपनी किसी रिसर्च के लिए बाहर गए हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब कैसे पता चलेगा अंश और पिया ठीक है या नहीं? बड़ी माँ वो देखिए